आज हम लोग आए हैं A1 के शोरूम, जो आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम है, ये हमारा दूसरा रिव्यू है इलेक्ट्रिक बाइक का। चलिए हम अंदर चलते हैं। सर, आपका नाम? विनोद पटेल। सर, ये A1 आपका जो शोरूम है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक रहती हैं उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए। अभी फिलहाल में इसमें बाइक तो नहीं है जी, स्कूटर का है। अभी स्कूटर पे काम कर रही है और इसमें मेजर 6 से 7 मॉडल हैं और वर्तमान में मेरे पास 5 से 6 मॉडल अभी रखे हुए हैं। और इसका टॉप मॉडल जो है E-Star DX करके है, जिसमें काफ़ी कुछ फीचर्स हैं। इसमें ये लॉक हो गई है। अब इसके बाद गाड़ी को या इसको हिलाएगा भारी आवाज़ देने लगता है, और ये अनलॉक कर दीजिए और इस रिमोट से ही ये गाड़ी को आप चालू कर, विदाउट चाबी लगाए हुए ये इससे चालू हो जाती है गाड़ी। काफ़ी फीचर्स अपडेट हुए हैं, अपडेट हुए कार के जैसे, इसमें काफ़ी फंक्शन जी हाँ। और इसका मीटर जो है डिजिटल है, रंगीन मीटर है, वैसे ऑन करके दिखाएं आप। और बिल्कुल इसमें आप जैसे पेट्रोल गाड़ी में चलते हैं वैसे इसमें ये बना हुआ है पॉइंट। ये मान के चलिए इसमें 2 मोड है, ये हाई और लो। अगर आप इसको लो मोड में चलाते हैं तो गाड़ी 65 से 70 किलोमीटर चलती है। अब इसमें जैसे ये 5 पॉइंट है तो अब 65 से 70 चलती है, मतलब आपके अगर 2 पॉइंट बचते हैं तो आपको मालूम है कि इसके बाद भी अभी आप 10 किलोमीटर और ट्रेवल कर सकते हैं। ये खास तरह की सुविधा है ये गाड़ी में, क्योंकि लोगों के अंदर ये झिझक होती है कि पेट्रोल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी में हमको कैसे पता चलेगा, तो इसका बहुत अच्छा ये विकल्प। हाँ, ये समस्या रहती है कि पेट्रोल में तो पता लग जाता है, रिजर्व लग जाती है, मगर इसमें थोड़ा इसमें ये पॉइंट के द्वारा पता चल जाता है। फिर इसमें दूसरे ये एक रिवर्स गियर की सुविधा है, जैसे कोई लेडी है गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्स गियर एक्सीलेटर सामने ही जाएगा पर 5 की स्पीड अधिकतम है, जिससे गाड़ी धीरे धीरे पीछे आएगी और आसानी से मोड़ी जा सकती है। काफी दिक्कत आती है लोगों को जैसे मोड़ वगैरह पे ध्यान में रखते हैं। अभी आती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाने में इसमें साउंड नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत है, लोगों को नया लगता है, पता नहीं चलता गाड़ी चालू है कि नहीं। तो उसके लिए साइड स्टैंड सेंसर लगाया हुआ है जो साइड, और ये गाड़ी खड़ी हुई है। अब जैसे क्या होता है, पेट्रोल गाड़ी है, अगर साइड स्टैंड लगा है या गाड़ी पे कोई खड़ा है और आप बाजू में खड़े हैं मेरे और आपने एक्सीलेटर दिया तो गाड़ी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि चालू बंद का पता नहीं चलता। लेकिन इसमें ये साइड स्टैंड इसीलिए लगा हुआ है, अगर आप एक्सीलेटर कोई आप या कोई भी अगर बढ़ाता है तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। सेंसर से हमें जानकारी लग जाती है कि चालू है या नहीं। विशेष तौर की सुविधा है क्योंकि इसमें साउंड नहीं है, इसलिए सबसे लेटेस्ट में। यहाँ भी चार्जर के बारे में बताएं। हाँ, ये इसका चार्जर है, इसमें लाइट लगा हुआ है, ये इसका सॉकेट है जी। यहाँ पे इसको लगाते हैं, ये इसको ऐसे फंसा देते हैं और इसको बोर्ड में लगा देते हैं, ठीक है। काफी इजी है इसको चार्ज करना, सीधा सा ये अंदर बोर्ड में लगा दीजिए और केबल भी लंबी है काफी, तो केबल है मतलब आसानी से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। जब ये चार्ज होने लगा है ये रेड लाइट इसका जलने लगा है, ठीक है। जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो ये ऑटो कट है, इसमें ग्रीन लाइट जल जाता है। अब ऐसे जैसे गांव में भी गाड़ियां जाती हैं या बरसात का सीजन कभी लाइट गड़बड़ आती है, तब इसमें एक MCB लगा हुआ है, ये ऑटो कट है। अगर लाइट गड़बड़ आएगी चार्जिंग के दौरान तो ये स्विच बंद हो जाएगा, तो गाड़ी पूरी तरह से सेफ रहेगी। अच्छा, ठीक है, हमने देख ही लिया है और काफ़ी कूल लुक है। इसको थोड़ा सर ऑन करके और बताएं। मैं इसका आपको रिवर्स गियर के बारे में बताता हूँ। ये गाड़ी ऑन हो गई है, धीरे धीरे देखिए आप, चका पीछे की ओर घूमने लगा है। ये 5 तक की स्पीड अधिकतम है इसमें, रिवर्स के लिए। अभी अपन मूड चेंज कर देते हैं, ये डायरेक्ट मूड में आ जाता है। अब इसमें ये 2 हाई और लो, ये लो में अगर चलाते हैं तो ये 65 से 70 किलोमीटर गाड़ी चलती है। सबसे बड़ी चीज़ ये नॉइस फ्री है तो काफ़ी दिक्कत नहीं जाती है। हाँ, अब ये हाई मोड में चलाते हैं तो स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 45 के लगभग जा रही है विदाउट RTO है। चालान में कोई डर नहीं आपको, बिल्कुल आप लेंगे
इसका पूरा व्हील देख सकते हैं आप, इसकी फुल स्पीड काफी बढ़िया है, डैशिंग भी।